शांति प्रिया बॉलीवुड की उभरती नई अदाकारा है, जिसने हाल ही में अपनी मां को कैंसर के कारण खो दिया। शांति अपनी मां की अस्थियां ले उन्हें विसर्जित करने हरिद्वार जा रही थी कि अचानक उसे अपने प्रोड्यूसर का कॉल आया। शांति, फिल्म का फाइनल शेड्यूल रॉय स्टूडियो में शूट होने का है 10 दिन तक, और कॉल टाइम कल सुबह 6 बजे का है। मगर सर, मेरी माँ की अस्थियों का विसर्जन करने मुझे कल हर हाल में जाना है, इसके बाद आपको जितने दिन शूट करना है कर लीजिएगा। उड़ी बाबा, अरे शांति, जरूरी नहीं होता तो हम तुमको फोन नहीं करता। इस फिल्म की वजह से हम पूरा सर से पांव तक कर्जे में डूबा है, और अगर अब ज्यादा देर हुआ तो हम पूरा कंगाल हो जाएगा। प्रोड्यूसर मुकेश के कई बार मनाने के बाद आखिर शांति ने हाँ कर दी और अपने नौकर के साथ रॉय स्टूडियोज के लिए गाड़ी में निकल पड़ी। पूरे दिन के लंबे शूट के बाद शांति प्रिया थक हार कर अपने कॉटेज पहुंची और कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटते ही सीधा सो गई। शांति अभी नींद की आगोश में गई ही थी कि अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से टूट गई। ये आवाज बाहर लॉबी से आ रही थी। शांति भी अपना होश संभाल अंधेरे में डूबी लॉबी की तरफ बढ़ चली। लॉबी में पहुंचते ही शांति को एक औरत का अक्स दिखाई दिया जो दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रही होती है। अंधेरा होने के कारण शांति उसे आवाज देती है। कौन है आप? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? शांति के पूछने पर भी जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो शांति लॉबी की लाइट जला उस औरत की ओर बढ़ने लगी, पर जब वो उसके आगे गई तो उसे दीवार के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया और दीवार पर से कुरेदने के निशान भी गायब थे। शांति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने लाइट दोबारा बंद की तो वही औरत फिर से उसके चेहरे के करीब आ गुस्से में भनभनाते हुए बोली, अपनी सलामती चाहती हो तो चली जा यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। औरत को अपने चेहरे के करीब ऐसे देख शांति डर से चीखते हुए एक कोने में दुबक गई, पर तभी शांति का नौकर बांडिया वहाँ आ गया। दीदी, इतना रात को कोने में कहाँ बैठे हैं? आप ठीक तो है ना? ये औरत मुझे कुछ कर देगी, उसे जाने को बोलो। कौन सी औरत दीदी? आपके और हमारे सिवा तो यहाँ कोई नहीं है। बांडिया की बात सुनकर शांति ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस हादसे से खुद में उलझी शांति वापस अपने कमरे में चली गई और नींद की गोली खाकर सो गई। अगली सुबह शांति शीशे में देख अपनी लाइंस याद कर रही थी कि अचानक ही उसे शीशे में फिर से एक औरत का अक्स दिखाई दिया। मगर हैरानी की बात ये थी कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि शांति की अपनी माँ थी, जिसकी चिता को आग उसने 2 दिन पहले ही दी थी। शांति मेरी बच्ची, मैंने तुझे कल भी यही कहा था और आज भी कह रही हूँ, इस फिल्म को छोड़ और चली जा यहाँ से कहीं दूर। माँ, तो क्या कल रात वो आप ही थी? हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं ही थी। इससे पहले कुछ अनर्थ हो मैं तुझे आगाह करने आई हूँ। माँ आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुकेश जी का क्या? नाम मत ले उस कमीने का, उसकी चमक धमक के पीछे छिपी कालिक को सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं। इससे पहले कि शांति की माँ अपनी बात पूरा करती, वो बात को अधूरा छोड़ गायब हो गई। शांति प्रिया हड़बड़ाई हालत में माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी स्पॉट दादा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मैडम शॉट रेडी है और डायरेक्टर साहब ने आपको जल्दी बुलाया है। स्पॉट दादा की बात सुन शांति ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, आप चलिए मैं बस अभी आई। कुछ देर बाद शांति जब पूरी तरह से काम और फोकस्ड हुई तो खुद ब खुद शूटिंग के कमरे की ओर चल दी। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस कमरे में सिर्फ लाइट्स और कैमरा के इक्विपमेंट्स पड़े थे, मगर उन्हें देखने वाला वहां कोई कैमरामैन, लाइटमैन और प्रोडक्शन वाला वहां मौजूद नहीं था। शांति को ये कुछ अजीब सा लगा, पर वो इस बात पर गौर ना करते हुए उस कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। पलंग के करीब आते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख किसी भी इंसान का खून डर से जम जाए। पलंग के बराबर में एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें पड़ी हुई लाशें सड़ रही थी, जिन्हें देख शांति ऐसे चीखी मानो उसकी चीख से आसमां फट पड़ने को हो जाए।
शांति की चीख सुन स्पोर्ट दादा और सेट के कुछ और लोग भी वहां आ गए और शांति को कांपता हुआ और पसीने से तरबतर देखकर हैरान हो गए। पर शांति इससे पहले कि उन्हें कुछ बता पाती, उसने देखा कि कमरा तो एकदम खाली है। वहां न लाइट्स थी और ना ही इक्विपमेंट्स, और जहां उसने गहरा गड्ढा देखा था वहां बस एक आम सा फर्श था। ये सब देख शांति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे। क्या उसे सच में अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, या ये बस उसके दिमाग का कोई वहम है जिसका ताल्लुक उसकी माँ की मौत से जुड़ा हुआ है। 14 घंटों की कड़ी शूटिंग के बाद शांति अपने कमरे में वापस आ चुकी थी और टेबल पर पड़ी अपनी माँ की अस्थियों को देख कर बोली, माँ, माँ आपके जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। काश आप यहाँ होते तो मुझे बता पाते मैं क्या करूँ। शांति, शांति मेरी बच्ची, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, और अब जो मैं तुझे कहने वाली हूँ वो बिना सवाल किए सुन और कर। तुझे मुकेश राय का कत्ल करना होगा। ये सुन शांति दहल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा कुछ कह सकती है। तो मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ किसी का खून करने के लिए मुझसे कभी नहीं कहेगी, खासकर मुकेश जी जैसे भले इंसान का। उसी भले इंसान के हाथ कितनों के खून से रंगे हैं तुझे अंदाजा भी नहीं है मेरी बेटी। और अगर तूने अगले 3 दिन में उसका खून नहीं किया तो याद रख, स्टूडियो में काम करने वाले हर एक इंसान को ऐसी मौत मिलेगी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इतना कहते ही शांति को अपने हाथ पर एक बिजली का झटका सा महसूस हुआ, जिससे उसके हाथों से अस्थियों का कलश गिर गया। इसी के साथ ही उसे अपने बगल वाले कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। शांति ने जब आवाज का पीछा किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने उसके नौकर बंड्या की लाश पड़ी थी, जिसके सिर के ऊपर पंखा गिरने की वजह से कुचला जा चुका था। अगले 2 दिन के लिए रॉय स्टूडियो में एक के बाद एक हादसों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। पहले सिक्योरिटी गार्ड, जो अक्सर ड्यूटी पर सो जाया करता था, एक शाम अपनी नींद में चल बसा, तो एक रात शांति प्रिया की बहन का किरदार निभा रही अदाकारा की अपने ही बाथटब में डूबने से मौत हो गई। आखिर में जब शांति के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे थक हार कर अपनी माँ का कहा मानना ही पड़ा। शांति अपने कमरे में हाथ में अपनी माँ की अस्थियां लिए शीशे में खुद को देख बुदबुदाते हुए बोली, माँ जो तुम कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस जो हो रहा है प्लीज उसे रोक दो। मैं किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहती माँ। कल मुकेश राय सेट पर आ रहा है, लेकिन कल वो जिंदा जाएगा या नहीं ये तुम पर निर्भर करेगा। ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। जैसे कि उम्मीद थी, मुकेश अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ सेट पर पहुंचा, जहां फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना था। शांति प्रिया भी अपने दिल लुभाने वाले अंदाज में सेट पर जा पहुंची, जिसे देख सब एक टक ऐसे देख रहे थे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। शांति ने मुकेश के कानों में धीरे से वासना से भरे स्वर में कहा, शूट के बाद रात में यहीं रुकना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिसे देख तुम्हारा सुख चैन होश सब उड़ जाएंगे। कुछ घंटों के शूट के बाद जब पैकअप हुआ तो मुकेश कोने में खड़ा शांति का इंतजार कर रहा था। शांति कपड़े बदल अपने हाथ में 2 वाइन ग्लास के साथ आई और दोनों ने चीयर्स करते हुए उस वाइन के प्याले को अपने होठों से लगाया। माहौल में जरा गर्मी आ ही रही थी कि शांति ने मुकेश की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे अपने पीछे आने को कहा। मुकेश किसी गुलाम की तरह शांति का हाथ पकड़ उसी दिशा में चला जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसने मुकेश को लिविंग रूम के बीचों बीच ला खड़ा कर दिया और उसके गाल को चूमते ही जा रही थी कि मुकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए शांति, और कितना देर? बस रुको कुछ पल और। इतना कहकर शांति कुछ दूर गई और एक रस्सी को खोलते हुए कहा, मुकेश अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो और जरा ऊपर देखो, इस झूमर को देखकर तुम्हें कुछ याद आता है? ए शांति, ये कैसा सरप्राइज है, हैं? और तुम ये क्या कर रहा है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो समझने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सुनीता रॉय का नाम सुनकर कुछ याद आया? इस झूमर के नीचे ही। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनीता का लाश इस झूमर के नीचे नहीं है, वो अपना आशिक के साथ भाग। तुमने क्या किया है हमारे साथ, हैं?
हमारे साथ क्या किया है? ज्यादा कुछ नहीं, बस जहर मिलाया था तुम्हारी वाइन में, जिससे कुछ पल में इंसान कदम घुट घुट कर उसकी मौत हो जाएगी। पर खुशकिस्मती से इस जहर की दवा मेरे पास है, सब सच सच बताओ और दवा ले जाओ। ठीक है हम सब सच बताते हैं, तुम हमको बस मारने मत देना। करीब 5 साल पहले रॉय स्टूडियो में मरम्मत का काम चल रहा था और एक दिन एक मजदूर को खुदाई के वक्त एक औरत का कंकाल मिला, जो कोई और नहीं मेरी बीवी सुनीता रॉय थी। मगर उसने ये बात अपने तक ही रखा और सीधा ये खबर मेरे पास लेके आ गया। चुप होने के लिए किसने कहा, बोलते जाओ। खबर के बदले वो हमको ब्लैकमेल किया और बोला उसके और उसकी मजदूर की तनख्वाह 4 गुना नहीं बढ़ाई तो वो पुलिस को रॉय स्टूडियो की दहलीज पर ला खड़ा करेगा। ये बात सुनकर हम बहुत घबरा गया था और कर्जे में डूबा होने के कारण हमारे पास कोई चारा नहीं था शांति। तो तुमने उस मजदूर का बेरहमी से खून कर दिया। सही कहा ना मैंने, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं हो सकती। बताओ मुझे पूरा सच, वरना इस झूमर की रस्सी काट कर तुम्हें मार डालूंगी। हमने उस मजदूर की छाती में छुरा घोप कर मौत के घाट उतार दिया, पर इसको हमारा बदकिस्मती कहो कि पगार लेने आए हुए मजदूरों ने हमको रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में तिल मिलाए वो लोग मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। पर इससे पहले कि वो लोग हम पर हाथ भी उठाता, मेरे बॉडीगार्ड ने उनको गोलियों से भून दिया। उनकी लाश इस स्टूडियो में कहीं दफना दी। यही था पूरा सच। अब हमको वो दवा दे दो, हमको छोड़ दो शांति, हमको छोड़ दो। मुकेश का पूरा सच सुनने के बाद भी वो उस पर बिना रहम किए झूमर की रस्सी काट उस पर झूमर गिरा देती है, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। मुकेश ने जैसे ही अपनी आखिरी सांस ली, शांति की मां की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई और रोते हुए उसने कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे खूनी बना दिया, मगर मैं मजबूर थी। ये खून मेरी मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से हुआ है और इस खेल में तू और मैं बस प्यादे थे, बस सिर्फ और सिर्फ प्यादे। शांति अभी ये बात ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक ही उसके सामने कई मरे हुए मजदूरों की आत्माएं जमीन से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माफ करना हमें, अपना बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ को एक जरिया बनाना पड़ा, पर अब सही मायने में हम मुक्त हैं। इतना कहते ही मजदूरों की आत्मा उस स्टूडियो से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। घटना के 1 घंटे बाद पुलिस सेट पर आ पहुंची और मौका वारदात पर शांतिप्रिया को अकेले पा हिरासत में ले लिया और इस तरह बेचारी शांतिप्रिया मजदूरों और प्रोड्यूसर मुकेश रॉय के बीच का शिकार हो जेल चली गई और अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाने के कारण उसे 7 साल की जेल हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।